मौजूद हैं आरएलडी चीफ एवं राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी जी। सर, राष्ट्रपति चुनाव है, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू वो कल आ रही है, आज जो विपक्ष के उम्मीदवार है वो आ रहे हैं, क्या आपकी पार्टी का किसको समर्थन है और क्या रणनीति के साथ आप लोग राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग शुरुआती तौर से ही जब विपक्ष में बातचीत शुरू हुई कि किसकी उम्मीदवारी हमें तय करनी है और साझी बातचीत थी, उसी में उन बातचीतों में हम लोग शामिल रहे, इस निर्णय में शामिल रहे और श्री यशवंत जी के नामांकन में मैं खुद मौजूद रहा। इसलिए हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हमने फैसला लिया उसको अंतिम तक निभाएं। सारे विधायकगण हमारे मौजूद हैं जिनको मतदान करना है और उत्सुकता से हम इंतजार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट करें। सर, साल के अंत में निकाय चुनाव है और साथ ही 24 के चुनाव भी नजदीक है, तो उसको लेकर संगठन में क्या तैयारी की जा रही है और कैसे 24 और निकाय चुनाव के लिए आरएलडी तैयार है? हमने एक नई टीम बनाने की कोशिश की है यूपी में और अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। वैसे हमारे प्रदेश भर में संगठन भंग हो चुका है लेकिन अध्यक्ष हैं और उसके बाद हमने 10 कार्यक्षेत्र में उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे सदस्यता आगे बढ़ेगी गति मिलेगी, तो सबसे पहले तो कार्यक्षेत्र में हम अध्यक्ष बनाएंगे। 15 हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से हम उन संगठनों से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको उठा सकते हैं, तो प्रदेश भर में 15 इन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और उसी तरह से जिस तरह से मेन पार्टी है उसी तरह अलग अलग विंग्स में नीचे तक हम संगठन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम लोग मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों पर हम लोग कभी शांत नहीं रहते, फ्रंट फुट पर खेलते हैं। आज जो सबसे बड़ा एक चर्चा का विषय नौजवानों के बीच है वो ये अग्निपथ योजना है और जब कोई पहले सक्रिय नहीं हुआ विरोध सब लोग कर रहे थे, हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता खुद समझ रही है, हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही। बेरोजगारी का आलम यह है कि पद 100 निकलते हैं और एप्लीकेशन उसके लिए लाखों में आ जाती है, तो ये प्रमाणित करता है एयरफोर्स में सिर्फ 3,000 अग्निवीर बनने के लिए 7.5 लाख लोगों ने आवेदन किया। ये कोई योजना की सफलता का प्रमाण नहीं है, देश में व्याप्त बेरोजगारी का प्रमाण है। सर, अभी सरकार का कहा गया है कि 100 दिन का जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा हो गया है और उनकी तरफ से कहा जब जो लक्ष्य तय किया गया था वो हासिल कर लिया, इस पे आपका क्या कहना है? मैं भी सहमत हूँ कि जो पिछले 5-5.5 साल पहले जो उन्होंने पहले 100 दिन का लक्ष्य रखा था, इतना तो कह ही सकते हैं कि 5.5 साल में शायद वो 100 दिन का काम कर लिया हो उन्होंने। ये नए 100 दिन की बात नहीं कह रहा मैं, पिछले बार की 100 दिन की बात कर रहा हूँ। तो जब सरकार कंटिन्यू करती है तो 100 दिन का कोई पैमाना नहीं होता। हम जज करेंगे कि इनको 2 टर्म दिए गए, प्रदेश की जनता ने अब इनको 10 साल आजमा लिया है और 10 साल में भी अगर ये प्रदेश में बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, बड़े स्तर पर यहाँ निवेशक को ना ला पाए, कारखाने ना बनवा पाए, किसानों को उचित मूल्य अच्छी सस्ती दरों पर बिजली और जो हमारे यहाँ व्यापार है उसमें अगर तेजी से प्रगति नहीं होती तो फिर उनको जज किया जाएगा। सर, आरएलडी जो है वो पश्चिम के क्षेत्रों में कहा जाता है वह मजबूत है, तो जो आगामी आपका संगठन का विस्तार हो रहा है उसमें आप पूर्वांचल और मध्यांचल इन सब जगहों पे अपनी पार्टी को अस्तित्व कैसे मजबूत करेंगे? पूर्वांचल में पुराने लोग हैं और वो हमारे साथ खड़े रहे हैं, हर चुनौती में वो साथ रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह जी का साथ उन्होंने दिया और ये तो चुनावी बात होती है, सीट कहाँ मिली और कहाँ आप लड़ेंगे। लोग जो हमारे साथ विचारधारा से जुड़ के हैं वो बहुत मजबूत हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी का विस्तार होगा। पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, मध्य लखनऊ में हम खड़े हैं, यहाँ भी बहुत पुराने विश्वास पात्र लोग हैं और ये पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी, इनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी चुनाव में हम मजबूती से लड़ेंगे और जल्द ही संगठन का विस्तार करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ।